कि आज की वीडियो में नेकलेस, रिंग, मंगलसूत्र, बहुत सारी चीजें होने वाली है। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ही भयानक खतरनाक ठंड हुई है, मतलब अब महसूस हो रहा है कि ठंड इस टाइम पीक पे और बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है इस टाइम पे। सच में मुझे खुद नहीं पता मैं ये कैसे पहन के खड़ी हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। मैं बहुत दिनों से वीडियो करना चाहती थी बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट आज हम ये वीडियो करेंगे। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शो यू, एंड सबसे अच्छी बात कि आज की वीडियो में नेकलेस, रिंग, मंगलसूत्र, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, एंड इसमें हर एक टाइप की ज्वेलरी है, लाइक अफोर्डेबल टू प्रीमियम। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो को स्टार्ट हम करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग ज्वेलरी पीस से, विच इज़ फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स। और रिसेंटली मैंने ज़वेरी पर्ल्स में मंगलसूत्र देखे, और ना जनरली ये लोग सेल करते नहीं है, बट आई फाउंड दिस सेट ऑफ टू मंगलसूत्र एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ज़वेरी पर्ल्स जो है बहुत अफोर्डेबल रेंज में बहुत सही क्वालिटी दे देता है। सो लेट्स ट्राई। सो वी हैव दीज टू पीसेज फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स। बहुत ही सुंदर से मैंने ये मंगलसूत्र ऑर्डर किए हैं। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मंगलसूत्र। दूसरा वाला मैं आपको दिखाती हूँ, बट पहले ये वाला देख लेते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रीन कलर शॉर्ट वाला मंगलसूत्र है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें एडी है और ये एक्सट्रीमली लाइट वेट है, एंड आप इस चेन को आराम से पहन सकते हो बिकॉज इसमें पीछे हुक भी आया है, वो सब नहीं आता है जनरली। तो ये कुछ ऐसा लगेगा पहनने के बाद, आई एम इन लव विद दिस। एंड जो सेकेंड वाला आया है उसमें आया है सिंपल वाइट स्टोन, उसमें ग्रीन था, एंड ये सिंपल वाइट स्टोन वाला जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में बहुत लोग पहनते हैं, तो ये वाला भी मुझे बहुत क्यूट लगा। एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस सेट ऑफ मंगलसूत्र बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, और क्वालिटी तो ऑब्वियसली ज़वेरी पर्ल्स है तो अच्छी होगी। तो जो मेरे हाथ में रैंडमली आता जा रहा है मैं दिखाती जा रही हूँ, कुछ भी ये रेंज वाइज सेट नहीं है। सो दिस वन इज़ फ्रॉम प्योरा, एंड बेसिकली ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, इट्स ब्यूटिफुल नेकलेस सेट। ये थोड़ा सा प्रीमियम रेंज में आएगा बिकॉज आई अब बहुत अलग अलग रेंज मैंने ऑर्डर किया, डोंट वरी, दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल नेकलेस, ऐसा कुछ लगेगा देखने में। इट हैज़ दिस ब्यूटिफुल कुंदन डिज़ाइन ऑल ओवर, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। मेरी बहुत सारी साड़ीज़ को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि आपको तो पता ही है ग्रीन ज्वेलरी सारी साड़ीज़ के साथ चल जाती है, तो ये इज़ अ मस्ट हैव, एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। इसके साथ जो इयररिंग्स आएंगे दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, तो इस टाइप के झुमके टाइप में इसके इयररिंग्स आ जाएंगे, और ये बहुत खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। आप इन्हें अलग से भी स्टाइल कर सकते हो तो भी बहुत क्यूट लगेगा। अनदर ज्वेलरी पीस आई गॉट फ्रॉम शाइनिंग डीवा फैशन, मैं इनसे बहुत सारी ज्वेलरी ऑर्डर कर चुकी हूँ, दे हैव दिस अफोर्डेबल ह्यूज रेंज ऑफ ज्वेलरी, तो मुझे काफ़ी पसंद है। शाइनिंग डीवा में मुझे एक बहुत ही सुंदर सा टेम्पल नेकलेस मिला विच इज़ क्वाइट हैवी लेकिन बहुत अफोर्डेबल रेंज में। तो ये आएगा हमारा बहुत ही सुंदर सा एक टेम्पल ज्वेलरी नेकलेस, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है पहनने के बाद। इफ़ आई वेयर इट तो ये कुछ ऐसा लुक देने वाला है। क्वालिटी की बात करूँ, क्वालिटी इसकी ठीक ठाक आई है, मतलब इतने कम प्राइस के हिसाब से सही क्वालिटी दी है इन लोगों ने, एंड इट इज़ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट, और इसमें जो ये इयररिंग्स आएंगे वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही आएंगे इसमें लक्ष्मी माता वाले, तो ये भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे उस नेकलेस सेट को। सो दिस इज़ द नेकलेस सेट दैट आई डेफिनेटली रिकमेंड यू, क्योंकि बहुत सुंदर लगेगा। नेक्स्ट वन जो है ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही कम प्राइस में मिला, एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस। ये एक लॉन्ग इमिटेशन ज्वेलरी काइंड ऑफ नेकलेस है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, एंड अगर आपको गोल्ड इमिटेशन ज्वेलरी पसंद है तो दिस इज़ लाइक ओकेश डिज़ाइन। मुझे इस तरह की ज्वेलरी खास पसंद नहीं है, बट इफ़ यू लाइक समथिंग लाइक दिस तो मुझे लगता है कि काफ़ी सुंदर लगेगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत ओल्ड टाइप का नहीं है, थोड़ा सा बेटर डिज़ाइन लगा मुझे गोल्ड में, जनरली जो डिज़ाइन आते हैं उन। तो फाइनल रिजल्ट इसका कुछ ऐसा आया है गले में पहन के, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है इनफैक्ट, और ये गोल्ड इमिटेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है इस साड़ी पे मेरी। एंड इयररिंग्स की बात करूँ तो वो भी सुंदर लग रहे हैं, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कुछ ऐसा लुक देगा, बट इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। अगर आपको कुछ गोल्ड इमिटेशन में चाहिए दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड अ मस्ट ट्राई पीस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आई एम नॉट एबल टू फील इट, ये बिल्कुल गोल्ड वाली ही फीलिंग दे रहा है मुझे। अनदर नेकलेस सेट इज़ फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एडी है, स्टोन्स हैं, बड़ा वाला ग्रीन स्टोन है, तो बेसिकली इट इज़ दिस काइंड ऑफ अ नेकलेस। लेट्स ट्राई दिस आउट। तो इसमें ये वाली क्वालिटी आएगी जिसमें बीच में बड़ा सा स्टोन्स है, साइड्स में एडी दिया गया है, ये परफेक्ट है एकदम वेस्टर्न गाउन्स और जो आपके आजकल जिमी चू और शाइनी वाली साड़ीज चल रही है ना उनके साथ ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा, सीक्वेंस साड़ी के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, बट ये गोल्ड वाला मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बट अच्छा लग रहा है। तो ये वाला नेकलेस लगने वाला है कुछ ऐसा, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक अगर मैं इसकी रेंज के हिसाब से बात करूँ तो इसका लुक काफ़ी हैवी और रिच है, सो डेफिनेटली अगर आपको कुछ अफोर्डेबल रेंज में एडी में कुछ नेकलेस चाहिए था देन यू शुड ट्राई दिस वन, बिकॉज अगर आप लाइक बहुत ज़्यादा छोटे वाले एडी पे जाओगे तो इंट्रिकेट वर्क तो ऑब्वियसली वो महंगा आता है, बट अगर
आपको कुछ बहुत ही अफोर्डेबल में चाहिए, दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई एंड फिल कॉम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ आउटफिट्स, और काफ़ी अच्छा एंड क्लासी भी लग रहा है देखने में। इसके इयरिंग्स भी मुझे बहुत सुंदर लगे हैं, नेकलेस भी। सो आई हैव वन मोर नेकलेस सेट फ्रॉम शाइनिंग डीवा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ऐसा कुछ मैंने कैरेट ले लिया, ब्लू स्टोन कहीं तो देखा है ये वाला डिज़ाइन जो मुझे इसमें मिल गया, एंड ऑब्वियसली ये एक रेप्लिका है, बट लेट्स ट्राई। So this is going to be the look of the necklace, बहुत ही प्यारा सा, मतलब definitely इस साड़ी के साथ तो ये compliment नहीं करेगा, ये थोड़ा सा modern साड़ीज या फिर gowns वगैरह या western wear पे ही अच्छा लगेगा, but है बहुत सुंदर सा डिज़ाइन एंड इट इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल। अगर इसकी चंकीनेस देखो, डिज़ाइन देखो, उस हिसाब से इसका प्राइस जस्टिफाइड। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल लुक। मैं सिर्फ अगर नेकलेस को देखूँ तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत यूनिक सेट है, लाइक इट्स क्वाइट अ डिफरेंट पीस। आप डेफिनेटली इसको स्टाइल कर सकते हो इन मल्टीपल वेज, बट मुझे बहुत प्यारा लगा। Another piece I bought from the brand Sukhi, और Sukhi से मैंने दो तीन pieces लिए हैं, but I wanted to try क्योंकि ये बहुत कम range में pieces like share कर रहे थे, so इनमें से एक दो pieces मुझे काफ़ी पसंद आए तो मैंने पहले भी try किए। So this is going to be the first beautiful necklace। इसमें ना कुछ इस तरीके का एक colorful stone लगाया है, basically this is plastic stone जो इसके अंदर लगाया गया है, बट अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन इसका काफ़ी सुंदर है और पहनने के बाद भी काफ़ी प्यारा लगता है। इसमें जो इयररिंग्स आए हैं वो भी बहुत शाइनी और सुंदर है, लाइक अगर आप प्राइस के हिसाब से देखो तो ये काफ़ी शाइनी और अच्छा सेट है। अगर आप चाहो तो नाइट फंक्शंस के लिए दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड अफोर्डेबल पीस। देखो इस प्राइस रेंज में ना बहुत अमेजिंग क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई बंदा नहीं दे सकता एज ए प्राइस में आपको बहुत ही अमेजिंग हाई एंड क्वालिटी। और इसके साथ ये मांग टीका भी है, अगर आप चाहो तो इसको भी लगा सकते हो, भी बहुत क्यूट लगेगा। 3 sets फ्रॉम Sukhi, तो ये दूसरे वाला है। एंड ये वाले की अगर मैं बात करूँ, जब मैंने इसका ट्राई ऑन किया था सो फोटो में देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, बट पहनने के बाद द प्रॉब्लम इज इसके जो ये चेन्स है ना, ये एक सही जगह पे लाइन नहीं करते, आगे पीछे जाते हैं दो। इन्होंने डिज़ाइन तो अच्छा बनाया है बट इसकी क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ है, मतलब या ऑब्वियसली ये एक रेप्लिका ही है तो ये वैसी क्वालिटी तो नहीं मिल सकती इतने कम प्राइस में, बट इसका डिज़ाइन अच्छा था, लेकिन इसकी जो चेन्स वगैरह हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है तो उसकी वजह से इसका लुक बहुत ख़राब हो जाता है पहनने के बाद। एंड इयररिंग्स भी इसमें इन्होंने बहुत छोटे छोटे से दिए हैं, सो ये वाला नेकलेस मैं नहीं रिकमेंड करूँगी आपको। द लास्ट सेट फ्रॉम Sukhi, एंड ये मुझे फोटो में देखने में आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट, लेकिन ये कुछ ऐसा आया है। इट्स ऑल्सो अ रेप्लिका, और इसमें यहाँ पर ना इस तरीके से ये छोटे छोटे पर्ल्स दिए गए हैं, बीच में लक्ष्मी माता दी गई हैं। इसका जो पॉलिश है ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा येलोइश टोन पे है, तो वो मतलब वो वाली बात नहीं आ रही, समझ रहे हो। और ऊपर से स्टोन्स भी इसमें बहुत अच्छे से नहीं लगाए हुए हैं। दो ये एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है, अगर आपको एक दो बार पहनना है ये सेट तो चल जाएगा, लेकिन आप बहुत अमेजिंग क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज काफ़ी कम रेट में आपको इस तरीके का डिज़ाइन मिल रहा है। सो क्वालिटी इज़ काइंड ऑफ बस ठीक काम चला हुआ है, बाकी इसका डिज़ाइन अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली एक कॉपी है। इयररिंग्स की बात करूँ तो इयररिंग्स इसमें अच्छे लग रहे हैं, ये वाले आए हैं एग्जैक्टली लक्ष्मी माता वाले वही, और ये सुंदर लगते हैं साथ में इसके पहनने के बाद। ओवरऑल इट मेक्स अ नाइस सेट, और इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा ठीक पैकेज आई एकदम। नेक्स्ट पीस आई बॉट फ्रॉम द ब्रांड आई जूल्स, और मैं बहुत दिन से ये वाली रिंग खरीदना चाहती थी बट आई वॉज नॉट एबल टू, किसी कारणवश मैं ये भूल जाती थी हर बार, बट आई गॉट दिस ब्यूटिफुल रिंग दैट आई वॉन्टेड फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम। इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें ऊपर इस तरीके से पर्ल आते हैं, यहाँ पे थोड़े से घुंघरू आते हैं, आवाज़ नहीं करते लेकिन लगते बहुत प्यारे हैं पहनने के बाद, एंड आई रियली लाइक द स्टेटमेंट रिंग। आई थिंक मैंने इसको उल्टा पहन लिया है थोड़ा सा ऐसे, चाहे मतलब ये आई थिंक ऐसे ही पहनी जाएगी बट ये लगती बहुत सुंदर है, वैसे ही पहन सकते हो पलट के, दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट सिल्वर आउटफिट्स जिनके साथ मुझे सिल्वर ज्वेलरी पहनना पसंद है उनके साथ ही बहुत बड़े तरीके से जाएगी। लास्ट पीस ऑफ टुडेज़ वीडियो जिसके बारे में आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे, आई वॉज नॉट एबल टू शो यू, तो मैं आज दिखा देती हूँ आपको एक्चुअली इसका क्या हुआ था। इसका वीडियो बनाते बनाते इसमें से एक नग निकल के भाग गया था, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज आउट ऑफ स्टॉक, ये मैंने जवेरी पर्ल से ही लिया था, इट्स अ गॉर्जियस नेकलेस, में से एक नग निकल गया था वो मैं स्टिक कर दूंगी, मेरे पास रखा हुआ है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस, मैंने इसको पिंक साड़ी के साथ पेयर किया था, यू गाइज लव्ड इट। इसका जो हैवीनेस है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में बनाया है इन लोगों ने, काफ़ी वाइड है पूरा एंड काफ़ी लाइट वेट है, इसमें ऊपर पर्ल्स हैं और नीचे इस तरीके से स्टोन्स आएंगे, एंड इसमें इयररिंग्स आएंगे ये वाले, बट जैसे कि मैंने बताया अवेलेबल नहीं है, बट ये लगता बहुत सही है पहनने के बाद। सो अगर ये कभी स्टॉक में आता है यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट, लिंक मैं दे दूँगी, स्टॉक में अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, नहीं होता रियली सॉरी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।